Hello students, let's see this question. The question says the electronic configuration of Cu2 is 3d9 whereas that of Cu1 is 3d10. Which of the following is correct? So देखिए कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar 3d10 4s1। ठीक है, ये एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही है अकॉर्डिंग टू हूंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो प्लस वन में अगर देखेंगे तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाएगी और प्लस टू के अंदर देखेंगे तो ये 3d9 हो जाएगी। ठीक है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर लिखा है कि Cu2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात है। Cu2 पॉजिटिव इज लेस स्टेबल, ये गलत बात है। Cu1 एंड Cu2 आर इक्वल स्टेबल, ये भी गलत बात है। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu1 एंड Cu2 डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉपर सॉल्ट, ये भी अगेन गलत बात। सो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या है, Cu2 पॉजिटिव करेक्ट क्यों है, मतलब Cu2 पॉजिटिव स्टेबल क्यों है? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, ये इस वजह से। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।